कल चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। नायब सिंह सैनी के करीबी विधायक असीम गोयल को इसका फायदा मिला। असीम गोयल को राज्य मंत्री बनाया गया, जिससे उनका राजनीति में कद और भी बढ़ गया। इससे पहले सरकार में बेस्ट MLA के सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया था। शहर में मंत्री बनने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। रात को विधायक और राज्य मंत्री असीम गोयल के निवास पर खूब आतिशबाजी की गई। शहरवासियों की उम्मीदें असीम गोयल से और बढ़ गई हैं। आज सुबह नए नियुक्त राज्य मंत्री असीम गोयल सबसे पहले अपने काफिले के साथ गुरुद्वारा मंजी साहब गए। वहां पर जाकर गुरु घर में माथा टेका और गुरु का आशीर्वाद लिया। गुरु घर के सेवक TP सिंह ने उनकी अगुवाई की। अमन सूद ने कहा कि विधायक ने अपने विकास कार्यों से राज्य मंत्री का पद ग्रहण किया है। पूर्व मेयर रमेश मल ने कहा कि हम मुख्यमंत्री नायब सैनी का धन्यवाद करते हैं कि विधायक असीम गोयल ऐसे ही विकास करवाते रहें। TP सिंह ने कहा कि विधायक से राज्य मंत्री बनने पर सिख समाज में खुशी की लहर है। सुंदर ढींगरा ने कहा कि विधायक असीम गोयल कल राज्य मंत्री बने हैं, उनकी कार्यशैली का कोई जवाब नहीं है, जिसका फल उन्हें मिला है। आगे भी वो इससे बढ़कर काम करते रहेंगे, उनकी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। विधायक असीम गोयल शहर के विख्यात अंबिका मंदिर भी गए, वहां पर भी उन्होंने फूल माला डाली, उन्हें माता की चुनरी, माता का चित्र भेंट किया गया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।